हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्री जमवा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x-4x2+3, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है x=0 पे, x=-1 पे और x=2 पे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है पॉलिनोमियल की, जहाँ जहाँ वेरिएबल दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो, जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 × 0 − 4 × 0², तो ये दोनों तो जीरो हो गए, लास्ट में केवल कितना बच गया, 3 बच गया। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल की x = 0 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। उसी तरीके से -1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, पॉलिनोमियल में हर जगह वेरिएबल की जगह यानी x की जगह पे क्या रख देंगे हम, -1 रख देंगे। तो ये कितना होगा, 4 × −1²+3। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5 आएगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो पावर क्या है, इवन है अर्थात सम है, तो 1 आएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा और +3। इसको आगे देखो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -5 और -4 कितना हो गया, -9, और -9 में +3 करेंगे तो -6। तो इस वाले पॉलिनोमियल की x = −1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, -6। उसी तरीके से x = −2 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू आएगी वो भी देख लेते हैं हम। तो कितना आएगा, 5 × 2 − 4 × 2²+3। तो 5 × 2 कितना आएगा, 10 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा और +3। तो देखो, 10 और 3 = 13 हो गया, 13 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो यानी कि x = 2 के ऊपर इस वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू p − 2 क्या कहलाएगी, -3 निकल के आएगी। तो इसी तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सभी चारों क्वेश्चंस की हमें 0, 1 और 2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि py = y²−y+1, इसके लिए हमें p0 भी फाइंड करना है, p1 भी फाइंड करना है और p2 भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले p0 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हर जगह पे वेरिएबल की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0² − 0+1 लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर p1 फाइंड करें तो हर जगह वेरिएबल की जगह क्या रख देंगे, 1, तो 1² − 1+1, 1 − 1, तो ये तो 0 आ गया और लास्ट में कितना बचा, 1 बच गया। इसी तरीके से p2 निकालना है तो 2² कितना होगा, 4 होगा, −2+1, तो देखो 4 + 1 कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल की p0, p1 और p2 की वैल्यूज क्या आएंगी, ये वाली आएगी। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है pt = 2+t + 2t²−t³, इसकी भी हमें क्या करनी है, p0, p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ फाइंड कर देता हूँ। देखो, p0 के लिए क्या होगा, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या करना है, हमें 0 पुट करना है। तो 2 प्लस ये सारे देखो 0 हो जाएंगे, 0 0 0, तो केवल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से p1 के लिए निकालोगे तो हर जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 + 1 + 2 × 1² − 1³। तो देखो ये कितना हो गया, 2 + 1 + 1 का स्क्वायर तो कितना भी करो 1 ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा −1। तो देखो 1 − 1 तो 0 आ गया और 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस वाले पॉलिनोमियल की p1 के लिए वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ निकल के आएगी। इसी तरीके से p2 अगर निकाला है तो वो कितना आएगा, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, t की जगह पे सब जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 + 2 × 2² − 2³। तो इसको आगे मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। तो देखो, इधर सोल्व कर देता हूँ इसको आगे। तो 2 + ये कितना हो गया, 2 + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 − 2 का क्यूब भी कितना होता है, 8, तो 8 − 8 तो 0 हो गया, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, p0 तो आएगा 2, p1 कितना आएगा, 4, और p2 भी कितना आएगा, 4 आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x³, इसकी भी हमें क्या करनी है, ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो p0 कितना आएगा,
जीरो क्यूब बराबर जीरो ही रहेगा। उसी तरीके से पी वन क्या होगा, वन क्यूब बराबर वन आएगा, और पी टू बराबर क्या आएगा, टू क्यूब यानी कि एट निकल के आएगा। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पहले हम इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे x माइनस ए और x प्लस ए दिया हुआ है, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक हम सर्वसमी का लगा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो अब इसको आगे सोल्व करना है पी जीरो के लिए, तो क्या होगा जीरो स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। उसी तरीके से पी वन पता करना है, तो वन स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। उसी तरीके से पी टू पता करना है, तो टू स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर होता है, माइनस वन करेंगे तो थ्री आ गया। तो इसके भी हमने क्या कर ली, तीनों वैल्यूज निकाल ली, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या करना है हमारे को, जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके आगे एक्स की यानी कि वेरिएबल की कुछ वैल्यूज रखी हुई है, लिखी हुई है, उनको चेक करके बताना है कि ये वाले जो वैल्यूज है, वेरीफाई करना, जांच करना है कि ये जीरो है या नहीं है, अर्थात इसके शून्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज के लिए यहाँ पी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमें जीरो मिल जाती है, तो हम बोल देंगे कि ये वाला क्या है, इसका जीरो है अर्थात शून्य है, वरना शून्य नहीं है। तो देखो सबसे पहले पी माइनस वन बाई थ्री के लिए निकाले, तो थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कट गया, यहाँ कितना है माइनस वन प्लस वन, जीरो आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि ये वाली वैल्यू क्या है, इस वाली पॉलिनोमियल का एक शून्य है अर्थात जीरो है। इसी तरीके से आगे वाले में करके देखते हैं, देखो तो यहाँ क्या है पी एक्स की वैल्यू कितनी है, फोर बाई फाइव के ऊपर हमें वैल्यू निकाल के चेक करके देखना है, तो फाइव मल्टीप्लाई फोर बाई फाइव माइनस पाई, देखो पाई इससे कट गया, कितना आया चार माइनस पाई, जो कि क्या है जीरो के बराबर नहीं है। तो हम बोल देंगे कि ये जीरो के बराबर नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है हमें x बराबर वन और x बराबर माइनस वन के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या करना है, चेक करके देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जीरो अगर आ जाती है तो बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, इसके शून्यक है, वरना इसके शून्यक नहीं होंगे। तो देखो तो सबसे पहले पी वन के लिए चेक करके देखते हैं, वन स्क्वायर माइनस वन वो कितना आएगा, वन माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि वन तो है। और इसी तरीके से पी माइनस वन की वैल्यू निकालें, माइनस वन के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन आएगा, वन माइनस वन बराबर जीरो। तो हम बोल देंगे कि एक्स बराबर वन और एक्स बराबर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन वाले पॉलिनोमियल के शून्यक होंगे, अर्थात इन दोनों ये वाले दोनों क्या है, इसके जीरो होंगे। इसी तरीके से इसके लिए भी चेक करके देखना है, तो यहाँ एक्स बराबर माइनस वन और एक्स बराबर माइनस वन और टू दोनों के लिए चेक करके देखना है कि ये दोनों जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले माइनस वन के लिए चेक करके देखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस वन रखेंगे, तो देखो मैं ज़्यादा आगे पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, हिंट बता देता हूँ, माइनस वन प्लस वन करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो आ गया। अब इस जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ भी हो आंसर कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। उसी तरीके से पी टू निकालें, तो देखो यहाँ टू प्लस वन तो थ्री आ रहा है, लेकिन यहाँ टू माइनस टू कितना आ रहा है, जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस वन और टू ये दोनों क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल के शून्य अर्थात जीरोज होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स बराबर जीरो के लिए चेक करके बताना है कि एक्स बराबर जीरो इसका एक जीरो अर्थात इसका एक शून्यक है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है, जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो आता है। तो अगर हमारी वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो बोल देंगे है यहाँ हमारी जीरो आ रही है वैल्यू, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, इसका एक शून्यक होगा। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, तो इसको हमें एक्स बराबर माइनस एम बाई एल के ऊपर चेक करके देखना है। तो पुट करते हैं एक्स की जगह पे माइनस एम बाई एल, अगर वैल्यू हमारे को जीरो मिल जाएगी तो जीरो होगा। तो एल मल्टीप्लाई माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम, ये भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि ये भी क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का एक शून्यक होगा। उसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है तीसरे का,
हमें इन दोनों के लिए चेक करके देखना है, तो सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं माइनस वन बाई रूट थ्री के ऊपर, तो थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर होगा और माइनस वन हो जाएगा। तो देखो थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल कितना आएगा थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कट गया, कितना आया वन माइनस वन, यानी कि यहाँ हमें कितना मिल गया जीरो। तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये तो क्या होगा, इसका शून्यक होगा, इसके लिए भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, तो पी टू बाई रूट थ्री वो कितना आएगा, टू बाई थ्री मल्टीप्लाई टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो ये कितना होगा देखो थ्री मल्टीप्लाई फोर बाई थ्री माइनस वन, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा थ्री आ जाएगा, थ्री से थ्री कट गया, फोर माइनस वन कितना आएगा थ्री आएगा, जो कि नॉट इक्वल जीरो है, तो हम बोल देंगे कि ये वाला इसका शून्यक नहीं है, ये वाला क्या है इसका शून्यक होगा अर्थात जीरो होगा। उसी तरीके से इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री का, कि x बराबर वन बाई टू के लिए चेक करके देखना है। तो देखो p वन बाई टू बराबर निकालोगे तो टू मल्टीप्लाई वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कट गया, कितना आया वन प्लस वन बराबर टू, जो कि ये भी क्या है जीरो के बराबर नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये वाला भी क्या है इसका शून्यक नहीं है। लेकिन अगर यही x बराबर माइनस वन बाई टू होता तो देखो क्या होगा, सॉरी यहाँ वन बाई टू के लिए चेक किया है हमने, माइनस वन बाई टू नहीं है, वन बाई टू के लिए, अगर यही x बराबर क्या होता माइनस वन बाई टू होता तो उसके लिए वैल्यू क्या होती, देखो माइनस वन बाई टू प्लस वन, देखो टू से टू कट गया, यहाँ माइनस वन प्लस वन बराबर कितना आ रहा है जीरो, तो यानी कि x बराबर माइनस वन बाई टू तो क्या होगा इसका जीरो होगा, लेकिन ये वाला जो पूछा था वो वाला जीरो नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है इस बार शून्यक फाइंड करना है। तो हमने देखा था लेक्चर नंबर थ्री के अंदर हमने कवर किया था कि जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल के अर्थात रेखिक बहुपद के दिए हुए, तो इनके जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं, हमारे को x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या हो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए जीरो आ जाए, तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या मान लेंगे जीरो मान लेंगे, तो यहाँ से जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हमारे को मिल जाएगी, वही वैल्यू क्या होगी इसका शून्यक होगी। तो देखो हमें क्या करना है x प्लस फाइव बराबर जीरो पुट करना है, तो x बराबर क्या आ गया फाइव, उधर जाके माइनस फाइव हो गया, तो x बराबर माइनस फाइव ही क्या होगा इस वाले पॉलिनोमियल का शून्यक अर्थात जीरो होगा। आप वापस पुट करके देख सकते हो माइनस फाइव प्लस फाइव ये कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, मतलब x बराबर माइनस फाइव क्या होगा इसका एक जीरो होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे x माइनस फाइव को जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो फाइव उधर जाके माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर फाइव यहाँ पुट करके देख सकते हो फाइव माइनस फाइव कितना मिलेगा जीरो मिलेगा, मतलब कि ये वाला आंसर हमारा सही है, वेरीफाई भी कर लिया हमने साथ के साथ में। तो देखो इसको वो करोगे तो टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के बराबर पुट करना है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या मिलेगा पहले फाइव उधर जाके माइनस का हो जाएगा और टू इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी देखो चेक करके देख लेते हैं सही है क्या, टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव, टू से टू कट गया कितना आया माइनस फाइव प्लस फाइव, ये भी कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी जो शून्यक होगा जीरो होगा वो क्या होगा एक्स बराबर माइनस फाइव बाई टू। उसी तरीके से इसके लिए चेक करना है, तो यहाँ देखो थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा पहले टू इधर जाके प्लस का हो जाएगा फिर थ्री इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स बराबर टू बाई थ्री, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं देखो थ्री मल्टीप्लाई एक्स की जगह टू बाई थ्री माइनस टू, थ्री से थ्री डिवाइड हो गया और टू माइनस टू कितना आ रहा है जीरो, यानी हमारा आंसर सही है। और इसी तरीके से देखो यहाँ दिया हुआ है थ्री एक्स, इसको जीरो के बराबर पुट करोगे तो थ्री उधर डिवाइड में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, वो जीरो के डिवाइड में थ्री आएगा तो वो जीरो ही आएगा, तो यहाँ एक्स बराबर जीरो आ रहा है, तो देखो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो पुट करके देखो तो हमारे को कितना मिलेगा जीरो मिलेगा, तो ये वाला क्या हो गया x बराबर जीरो क्या है इसका एक शून्य का था और जीरो होगा। अब यहाँ चेक करना है, यहाँ ध्यान रखना a जीरो नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है ax बराबर जीरो, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया जीरो बाई ए, यानी कि कितना हो गया जीरो, तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, यहाँ भी पुट करके देख सकते हो जीरो a मल्टीप्लाई जीरो बराबर कितना आएगा जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये भी इसका एक शून्य है। उसी तरीके से एक लास्ट और दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, इसको चेक करके बताना है कि ये वाला इसका शून्य होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है सी एक्स प्लस डी को जीरो के बराबर पुट करना है, तो यहाँ से सी एक्स बराबर क्या हो गया डी उधर जाके माइनस का हो जाएगा और सी उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया माइनस डी बाई सी, तो इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं हम यहाँ पुट करके c मल्टीप्लाई माइनस डी बाई सी प्लस डी, सी से सी कट गया माइनस डी प्लस डी कितना हो गया जीरो हो गया, तो यहाँ भी हमारे को वैल्यू कितनी मिल रही है जीरो मिल रही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ खत्म होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं अगले वाले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसी के साथ थैंक यू।